मशहूर अभिनेता फिरोज खान की आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलुरु में हुआ था। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। ১৯৬০ में फिल्म दीदी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1965 की फिल्म ऊंचे लोग इनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। 1970 में फिल्म आदमी और इंसान के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सफर, खोटे सिक्के, अपराध, धर्मात्मा, दयावान, गीता मेरा नाम, कुर्बानी और नागिन उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल है। निर्माता निर्देशक के रूप में उनकी पहली सुपरहिट फिल्म धर्मात्मा थी। 1980 की फिल्म कुर्बानी से वो सफल निर्माता निर्देशक के रूप में स्थापित हुए। इनके सबसे करीबी दोस्तों में विनोद खन्ना का नाम सबसे ऊपर आता है। कई फिल्मों में इन्होंने साथ काम किया। फिरोज खान आखिरी बार 2007 की फिल्म वेलकम में नजर आए। इस फिल्म में भी वो अपने अलग अंदाज से दर्शकों का दिल जीत गए। 2010 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 27 अप्रैल 2009 को उनका निधन हो गया।